दोस्तों नितिन गडकरी जी एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि कभी भी नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में घबराते नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनका विश्वास इनकी खुद की बीवी भी नहीं करती। वैसे ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, उन्होंने ये बात खुद ही एक इंटरव्यू में कही थी। और अब ऐसी एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे नितिन गडकरी जी मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या हो अगर हम हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगे हुए जो क्रैश बैरियर्स होते हैं उन्हें स्टील की बजाय बैम्बू या कहें बांस को बनाना स्टार्ट कर दें। तो अब कई लोग कहेंगे कि सेफ्टी वाइज ये बैम्बू बैरियर्स स्टील बैरियर जितने इफेक्टिव नहीं रहने वाले, बट अगर हम अच्छे से देखें तो ये जो बैम्बू बैरियर्स हैं सेफ्टी वाइज काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि ये बैरियर्स एक्सीडेंट के टाइम काफी अच्छे तरीके से शॉक्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं स्टील के मुकाबले। अब स्टडीज में ये भी पता चला है कि जो बैम्बू बैरियर्स होते हैं वो एक्सीडेंट के वक्त सबसे अच्छे तरीके से शॉक्स को अब्सॉर्ब करके जो डैमेज होता है उसे काफी ज्यादा कम करने में मदद करते हैं। बाकी जो बांस होता है वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही जो बांस का जो बैरियर्स होते हैं वो हमें रेडी टू अवेलेबल भी मिलते हैं। बाकी आमतौर पर स्टील बैरियर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उन्हें जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है वो मार्केट में काफी ज्यादा महंगा मिलता है, और जो बांस होता है वो काफी ज्यादा ही सस्ता होता है, साथ ही इन्हें उगाने के लिए भी कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती। वैसे तो जो नितिन गडकरी जी की टीम है उन्होंने फाइनली काफी टाइम के बाद बैम्बू के जो बैरियर्स थे उन्हें लगाना शुरू कर दिया है वानी वरोरा हाईवे पर। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे जो बांस के बैरियर्स लगे हों, और इसीलिए इसे अब सब बाहुबली के नाम से पुकारने लगे हैं। अब इन बैरियर्स के अंदर गवर्नमेंट को बस कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि एक तो मेंटेनेंस करना इनका रेगुलरली, क्योंकि जो हैवी रेनफॉल हो या फिर एक्सट्रीम हीट हो उनमें जो इन बैरियर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ सकती है, इसीलिए अथॉरिटीज को इन्हें टाइम टू टाइम चेक करके रिपेयर या फिर रिप्लेस करते रहना होगा। अब मैंने तुम्हें इन बैरियर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही बता दिए, बाकी तुम्हें क्या लगता है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे भारत में या फिर नहीं कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।